यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हो हमारा चैनल वर्ल्ड एंड में ब्रोस। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ भाई लोग, बेल आइकन ऑन करना ना भूलना। तो हमारी इस स्टोरी की शुरुआत एक अपार्टमेंट के अंदर से शुरू होती है, जहाँ MC एक सिविल आदमी है और वो अपने PC पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। बॉस को खत्म करने के बाद उसके टीममेट उसे शुक्रिया अदा करते हैं और उसी समय उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, लेकिन वह केवल यह चाहता था कि वह रियल लाइफ में भी उतना ही पॉपुलर बन जाए जितना कि वो गेम में था, क्योंकि खेल से उसे मिलने वाले अचीवमेंट्स की फीलिंग्स उस मोमेंट पर गायब हो जाती हैं जब वह रियलिटी में वापस लौटता है। हमारे MC का नाम वाजी है, ठीक किसी कॉमिक कैरेक्टर्स के नाम की तरह, जिसे वह वास्तव में पसंद करता है। वह कमज़ोर और कायर है, वह लंबा नहीं है, अमीर नहीं है, वह तो सिर्फ एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट है जो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, लेकिन वह सभी का अटेंशन भी पाना चाहता था। यदि केवल रियल लाइफ में लेवलिंग अप संभव होता तो वह लड़कियों में बहुत पॉपुलर हो सकता था, लेकिन उसकी कल्पनाओं को किसी ने मैसेज भेजकर मिटा दिया था। इसलिए वह पता करता है कि यह कौन था और उसे यह पता चलता है कि यह संदेश कहां से आया था। यह संदेश उसी न्यू इमेज ने भेजा था जिसके साथ मिलकर वह पहले गेम खेल रहा था। वो न्यू इमेज उससे मिलने के लिए कह रही होती है, यह देखकर उसकी खुशी फूली नहीं समा रही होती है, लेकिन साथ ही वह यह सोचता है कि अरे नहीं, कहीं ये एक ओल्ड मैन ना हो। लेकिन वो कहता है, नहीं, मुझे हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ना तो उसके पास पैसा है और ना ही वो हैंडसम है, इसलिए उसे कैटफिश होने पर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि वह हमेशा के लिए अकेला नहीं रहना चाहता है तो उसे आखिरकार एक कदम उठाना चाहिए। जैसे ही वह उसके SMS का रिप्लाई करने लगता है कि तभी वह कांपने लगता है, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया। फिर अगले दिन उसकी डेट पे मिलने का दिन आ गया, इसलिए वह उससे मिलने के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वह एक रोड क्रॉस के सामने खड़ा हुआ लाइट के ग्रीन होने का इंतजार में, वह गहरी सोच में डूब गया था, क्योंकि वह नर्वस और एक्साइटेड था। साथ ही साथ वह जितना करीब आता जा रहा है उसका दिल उतना ही तेजी से धड़कता जा रहा है, जबकि इससे उसे लगता है कि जब उसे स्कूल में बुली किया गया था तो वह भागना चाहता था, लेकिन वह भी निडर बनना चाहता है, क्योंकि वह यह सोचकर अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता था कि उसकी आज की डेट कैसी होगी। वह चलना शुरू कर देता है, लेकिन ट्रकुन उस दिन अपनी ड्यूटी पर था और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की स्मेल आई जिसे इसकाई की ज़रूरत थी। इसलिए जैसे ही वह सड़क के बीचों बीच में आया, ट्रकुन ने उसे फर्श पर लेटाकर अपना काम बखूबी कर दिया। क्या उसे लाइफ का अधिक अनुभव नहीं करने का पछतावा था? लेकिन जैसे ही उसके आंखों के सामने बादल छाने लगते हैं कि तभी वह एक लोडिंग स्क्रीन को देखते हुए उठता है। इसलिए वह पूछता है कि उसके साथ कौन है, जिस पर सिस्टम उससे बात करता है और उसे बताता है कि वह एक नए वर्ल्ड में रिकार्नेट हो गया है। लेकिन आखिरकार वह खुद को इम्प्रूव करने का फैसला करता है, इसलिए उसे एक न्यू वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिस्टम उससे समझाता है कि अगर वह सभी मिशन कंप्लीट कर लेता है तो वह अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सकता है। इसलिए वह सिस्टम की सभी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने मिशन के लिए पूछता है, लेकिन उससे पहले सिस्टम उसे सलाह देता कि वह किस मिशन को स्वीकार करने से पहले अपने न्यू बॉडी को आजमा के देख ले, क्योंकि वह पूछता है कि उसके हाथ और पैर कहाँ हैं। पैरों के बाद सिस्टम उसे यह दिखाने का फैसला करता है कि जैसे ही वह अपनी आँखें खोलता है तो वह अपने रिफ्लेक्शन से देख सकता था कि वह एक मशरूम है, जिसे वह खुद पर विश्वास नहीं कर सकता था।